वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सरोवर भरता है, वैसे ही छोटी छोटी सफलताओं से बड़ी सफलता भी मिलती है। बस काम करते रहना जरूरी है, यही बात कही है हमारे आज के कलाकार ने, जिनका नाम है सुरेश ओबेरॉय। चंद रुपए लेकर मुंबई में भटकने वाले सुरेश ओबेरॉय कैसे बने करोड़ों के मालिक, जानेंगे सब कुछ। आप देखते रहिए फिल्मी तराना चैनल को। नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एक और बेहतरीन पेशकश में। सुरेश ओबेरॉय का जन्म 17 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में हुआ था। वे एक पंजाबी खत्री परिवार से हैं। उनके पिता का नाम आनंद स्वरूप ओबेरॉय और माता का नाम करतार देवी था। वर्ष 1947 में देश के विभाजन के एक साल के भीतर ही उनका परिवार भारत आ गया। ओबेरॉय परिवार शुरुआत में पंजाब के अमृतसर में रहा था, बाद में व्यापार के सिलसिले में हैदराबाद शिफ्ट हो गया। सुरेश ओबेरॉय का असली नाम विशाल कुमार ओबेरॉय है। सुरेश ओबेरॉय की स्कूली शिक्षा हैदराबाद के सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल में हुई थी। स्कूल के दिनों में वे खेलों में काफी एक्टिव थे। सुरेश टेनिस और स्विमिंग चैंपियन भी रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने बॉयज क्लब में प्रेसिडेंट अवार्ड भी प्राप्त किया था। हैदराबाद में बसने के बाद उनके परिवार ने मेडिकल स्टोर की चेन शुरू कर दी। सुरेश के हाई स्कूल पास करते ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार की फार्मेसी चेन संभालनी पड़ी। बाद में वे एक्टिंग का जुनून लेकर मुंबई पहुंचे। हालांकि उनका एक्टिंग करियर शादी के बाद शुरू हुआ। सुरेश ओबेरॉय पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषाओं के अच्छे जानकार हैं। वे एक्टिंग के अलावा वॉइस आर्टिस्ट, मॉडल, टेलीविजन एक्टर और टीवी होस्ट के रूप में भी काम कर चुके हैं। सुरेश ओबेरॉय की शादी 1 अगस्त 1974 को उनसे करीब 8 साल जूनियर यशोधरा से मद्रास में हुई। उनकी पत्नी यशोधरा एक पंजाबी बिजनेस परिवार से हैं। सुरेश और यशोधरा दोनों के एक बेटा बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय और एक बेटी मेघना ओबेरॉय है। शादी के 3 साल बाद वर्ष 1977 में सुरेश ओबेरॉय का फिल्मी करियर फिल्म जीवन मुक्त से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने फिल्म सुरक्षा, कर्तव्य और काला पत्थर में काम किया। सुरेश ने साल 1980 में फिल्म एक बार फिर में बतौर लीड काम किया, लेकिन उनकी यह फिल्म लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई थी। इसके बाद सुरेश ओबेरॉय ने फिल्म एक बार कहो, साजन की सहेली, रक्षा, नारी, मैं और मेरा हाथी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता और पहचान वर्ष 1982 में रिलीज हुई फिल्म लावारिस से मिली। इस फिल्म में सुरेश की शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद 1985 में उन्हें फिल्म घर एक मंदिर के लिए फिर एक बार फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नॉमिनेशन मिला। वर्ष 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिर्च मसाला में उनकी एक्टिंग को खूब सराहना मिली और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुरेश ओबेरॉय ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का या आर्मी अफसर की भूमिका निभाई है। वर्ष 1993 में उन्होंने गर्दिश में इंस्पेक्टर सैनी और गेम में इंस्पेक्टर पवार का रोल प्ले किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म विजयपथ में इंस्पेक्टर राजेश सक्सेना और किस्मत में एसीपी आनंद व फिल्म दिलबर में डीसीपी श्रीधर आत्माराम वर्मा का किरदार निभाया और तेजाब फिल्म का उनका किरदार कौन भूल सकता है। इसके बाद सुरेश ने सोल्जर, लज्जा, गदर एक प्रेम कथा, अशोक, तलाश, मणिकर्णिका, कबीर सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी जैसी फिल्मों में काम किया है। उन्हें उनके बेहतरीन काम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। सुरेश ओबेरॉय ने टेलीविजन शो धड़कन और कश्मीर में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने टीवी शो जीना इसी का नाम है को होस्ट किया और अपनी स्पष्ट एवं मधुर आवाज का जादू बिखेरा। सुरेश ब्रह्मा कुमारी जैसी मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं। सुरेश ओबेरॉय ने जीवन में मिले छोटे छोटे किरदारों को त्यागा नहीं था। वे जानते थे कि एक दिन यही छोटे काम बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। जब इनका परिवार पाकिस्तान से भारत लौटा था, तब भी परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी,
लेकिन उनके पिता के जुनून ने सब बदल कर रख दिया था। ऐसे ही जुनून और दिमाग से काम करते हुए सुरेश आज 100 करोड़ के करीब की संपत्ति के मालिक हैं। कुछ महीनों में 77 के होने वाले सुरेश आज भी उतने ही जुस्से से काम करते हैं जितना कि जवानी में किया करते थे। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वैसे आप लोगों की दी हुई कामयाबी ही मुझे भी सफल बनाएगी, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।